भाई सुमित भाई यहाँ खड़ा है अपना, और उसकी चमचमाती रही। चाय पराठा ऑर्डर कर दिया और ये खा भी रहे और अपन। आप सीधा यहाँ के जो ग्राम पंचायत वाले जो रात के 11 बज रहे हैं, देखो अभी ट्रैफिक कम नहीं है। पता नहीं यहाँ गुड़गांव में कब ट्रैफिक कम होगा, चाहे किसी समय भी आ जाओ, दिन में आ जाओ रात में आ जाओ, ट्रैफिक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी तो मैं पटियाला जाता हूँ ना, सुबह सुबह 4 बजे 3 बजे भी इतना ही ट्रैफिक मिलता मुझे। कैसे चलेगा भाई, कैसे चलेगा। खैर टाइम हो रहा है 12:15, दिल्ली क्रॉस करने में हमें लग गया 1 घंटा 20 मिनट, और आज हम जा रहे हैं कहाँ, सच पास की ओर, मतलब कि किलार पांगी वैली। तो राइड अपनी स्टार्ट हो गई है, सुमित आगे वेट कर रहा है मेरा। एक्चुअली वो यहीं पे, मैंने उसको पहले बोला था बाईपास वेट करने के लिए, बट मुझे लेट हो रहा था, इसलिए मैंने बोला तुम आगे जाके सिंगू बॉर्डर या जैन सिकन जी के पास वेट करो, मैं पहुंच रहा हूं। तो बस 10 मिनट में हम भी क्या बोलते हैं सुमित के पास पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद अपनी जॉइंट राइड स्टार्ट हो जाएगी, एकदम किलर वाली, एकदम एडवेंचरस वाली राइड स्टार्ट होगी। और यहाँ से हमें पांगी वैली जो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ तक पहुँचने में हमें लग जाएगा नियर अबाउट 20 घंटे, अगर कंटिन्यू चले तो। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे तो भाई 1-2 घंटा एक्स्ट्रा हो सकता है, तो 20 से 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोग किल्लार पहुंच जाएंगे। होप सो बढ़िया अपना ये सफ़र गुजरे, भोलेनाथ और सारे देवी देवता हमारे पे कृपा बरसाएं और अपनी ये यात्रा सफल बनाए, और आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आगे। ये देखो भाई सुमित भाई यहाँ खड़ा है अपना, और उसकी चमचमाती रंगीली। बड़ा मजा आ रहा है, इतना दिले बाद निकले। बहुत दिन खा लेके कितना टाइम हो गया यार। हाँ मैं 2 महीने बाद निकला हूँ, तू तो खासा टाइम बाद निकला है। भाई मैं तो किसी के बाद निकला 2 महीने बाद। मेरा भी उतना ही हो गया। लद्दाख हाँ चाय पीते हैं यार, फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। बहुत अत वाली ट्रैफिक थी, अत वाली। अरे मैं गुड़गांव में साला साफ होने का टाइम नहीं मिलता है, इतना इतना तो पानी जमा रहता है वहाँ पे, घर के पास भी और ऑफिस के पास भी। अरे क्या मैं बोलूँ, जितना बड़ा शहर उतनी ज़्यादा गंदगी। खैर क्या करना है, तो चलो भाई अपना ब्रेक एक ले लिया है, इनिशियल ब्रेक छोटा वाला राइड स्टार्ट होने से पहले। तो, हाँ चल, नाइट्रोजन यहाँ नहीं मिलेगा कहीं पे अभी। चलो भाई हाँ, ओहो तो कार वाले को तू बैठ गया। ओके ओके ISO फिटनेस फैक्ट्री, टाइम हो गया है 12:35 और ऑफिशियली अपनी राइड यहाँ से हो गई है स्टार्ट। सुमित मेरे पीछे है, दोनों कनेक्टेड है अपने ब्लू आर्मर से। अब आराम से धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें।
तो रात का सफ़र है, आराम से ही करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई सुबह के बज रहे हैं 5 और हम लोग एंटर कर चुके हैं हिमाचल में, और मौसम ना एक नंबर मेरे भाई, एक नंबर पूरा, मतलब कि ठंड इतनी ज़बरदस्त लग रही है ना, लग रहा है कि अक्टूबर या नवंबर महीने का मौसम आ चुका है। मस्त हो सकता है शायद ऊपर शिशु साइड या कहीं ऊपर बर्फबारी हुई हो तो उसका थोड़ा असर नीचे साइड भी दिखने को मिल रहा है। हाँ तो अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे कहीं चाय की दुकान दिखेगी तो रुकेंगे, चाय पानी पियेंगे। हाँ हाँ चाय पानी पियेंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले पूरा बादल मुंह पे आके लग रहा है, ओ माय गुडनेस, पूरा बादल ही बादल है, अब बादल है धुंध, ऐसा लग रहा है भाई दिसंबर में गाड़ी चला रहे भाई, ओ भाई फुल धुंध है भाई। हाँ वो देखो भाई कुछ नजर नहीं आ रहा, धुंध है बादल है पता नहीं, बट जो भी है मजेदार है। एक नंबर भाई मजा आ गया, अभी तक का फुल पैसा वसूल। भाई क्या, लेकिन जो भी अभी हमने बाइक चलाई है नॉन स्टॉप चलाई है अभी तक, मजा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ मूड फ्रेश, सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। भाई क्या स्वागत किया है हमारा सोलन ने, सोलन यहाँ से जस्ट अभी 8 किलोमीटर है और उस साइड देखो फुल बादल ही बादल है, और भाई ठंड इस बादल की वजह से एकदम जोरदार, कोई बोल नहीं सकता कि भाई सितंबर महीने का चल रहा है, एकदम मस्त वाली ठंड है और फुल बादल, कहीं काले कहीं सफेद, और इतना ना ये पहले कभी जल्दी देखा नहीं था, ये फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ मैं इस रूट पे। ओ देखो पूरा बादल ही बादल है, जितना दिख रहा है ना आपको सब बादल है, और रोड पे भी पूरा बादल है, मनमोहक। यार सुबह के बज रहे हैं 6:30, गुड़गांव से निकले थे हम लोग 12 बजे लगभग में, एक छोटा सा हॉल्ट वहाँ लिया था और अभी हम लोग हॉल्ट ले रहे हैं सोलन में, चाय पीते हैं, तलब कुछ ज़्यादा ही लगी इसलिए चाय पी रहे हैं। राइट अब यहाँ से मनाली का जो सफ़र है वो नियर अबाउट अभी 8 घंटे का है, 2:30 के लगभग में हम मनाली एंटर कर जाएंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि टांडी में रुके या उदयपुर में, वो वहाँ जाके डिसाइड करेंगे, क्योंकि आगे का जो डेस्टिनेशन है ना वो थोड़ा सा समझ लो कैसा है ना, तो उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए समय लगेगा, तो आज टांडी या उदयपुर के बाद आगे का प्लान बताएंगे। चीनी बहुत है, मैं चाय तो पी ली है, अब थोड़ा सा
पहाड़ पे आए हैं तो बिना मैगी खाए कैसे जाए, तो मैगी खा लेते हैं फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तब तुम लोग जाओ अपना सब काम करके आओ। अभी हम लोग ना सोलन डिस्ट्रिक्ट के कराड़ा घाट नाम के जगह पे है, रास्ते पे आ रहे थे तो हमें व्यू बहुत व्यू पॉइंट एक दिख गया। मतलब कि व्यू पॉइंट किस तरह का था, एक के पीछे एक पहाड़ की जो बोलते हैं ना लेयर बनी हुई थी, और जो उसके ऊपर बादल का जो चादर है वो अलग ही लेवल का जो मतलब कि व्यू क्रिएट कर रहा था। तो उसको देखने के लिए अपन यहाँ पर रुक गए, और साथ में ही यहाँ पे होटल वगैरह भी था, सोचा भाई व्यू भी देख लेते हैं और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा इसी बहाने। तो चाय पराठा ऑर्डर कर दिया और ये खा भी रहे और अपन व्यू का भी लुफ्त उठा रहे हैं। सीनरी देखो कैसा है, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। मनाली रूट का जो टनल है ना, मजा अब आया फिर ये चला। मनाली साइड इतना टनल निकाल दिया है ना, एक टनल तो पहले क्रॉस किया, दूसरा टनल अभी ये आ रहा है, अभी इसके इसके ऊपर अभी एक टनल और बन रहा है, वो भी ऊपर ही ऊपर बाईपास की तरह काम करेगा। हाँ हाँ, अबे न्यू प्रेम इन द मेमोरी ऑफ लेट लाला प्रेमचंद, ये ओके अर्जुन बादशाह। यार सो ऑफिशियली वी एंटर इनटू द मनाली और अभी है हम सोलांग वैली की सड़क पे, मतलब कि सोलांग वैली आगे है और शिशु की तरफ जाएंगे। और ये देखो ब्यूटी सामने, यस यस यस। अबे तुमको साले थोड़ी देर के लिए ना म्यूट कर देंगे। म्यूट क्या कारगिल, अबे कारगिल ले तरफ है। हाँ तो भाई, हाँ अटल टनल के पास पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं अंदर। हाँ ओह माय गुडनेस, यस यस यस, जारी मत सैडलिंग मत कर। अटल टनल रोहतांग पास।
यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं टांडी, टांडी विलेज। और ये देखो ये पुल है, ये मेन टांडी पुल है, यहाँ से हम लोग क्रॉस करेंगे और जाएंगे उदयपुर और सच पास की ओर। और ये जो नदी देख रहे हो ना, ये है भागा नदी, और एक नदी वहाँ पे भी है, वो है चंद्रा नदी। तो दोनों नदी मिलके ये चंद्रभागा नदी बनाती है। वहाँ पे वो पॉइंट है, वहाँ संगम होता है। तो एक बार चलते हैं वहाँ पे और आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से संगम इस नदी का हो रहा है। ये देखो दोस्तों, ये है चंद्रा नदी, उस साइड से आ रही है, और वो है भागा नदी, उस साइड से आ रही है, और उस पॉइंट पे वो संगम हो रहा है। और संगम होने के बाद में ये नदी बन जाती है पूरी चंद्र भागा, और ये फिर आगे हम लोग को मिलेगी उदयपुर और ये क्या बोलते हैं अपना, हाँ सुराल बटोरी तरफ उस साइड मिलेगी। वो देख रहा गाड़ी यार, तो यार शाम के बज रहे हैं 4:45 और हम लोग निकल चुके हैं टांडी से। कुछ देर यहाँ पे बैठे हम लोग, ठंडी ठंडी हवा ली, खाना खा लिया हमने, और अभी हम हैं किल्लार के रास्ते में। आप सड़क की कंडीशन देख सकते हो, जस्ट एक कार जितनी छोटी सड़क है, मतलब कि हाँ व्यू इज अमेजिंग। हाँ सड़क बहुत छोटी है बट साफ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं किल्लार के साइड में। तो किल्लार वाली सड़क पे है बट, लेकिन हम लोग किल्लार आज पहुंचेंगे नहीं, हम लोग आज होल्ड लेंगे उदयपुर में, उदयपुर में है ना। और कल हाँ क्या बोल, क्या ची, हाँ हाँ गुम्बो रंजन ना, हाँ सामने का व्यू देखो, क्या 3D व्यू निकल के आ रहा है। 3D छोड़ो, 5D व्यू है। हाँ वही तो बोल रहे, क्या कटिंग है। तो भाई लोग हम लोग उदयपुर के लिए जा रहे थे, रास्ते में दिखा ये मणि महेश प्रवेश द्वार, तो भाई देख के थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ये है क्या। तो फिर जब थोड़ा सा इसको, इसके बोर्ड को देखा ना, तो यहाँ पता चला कि भाई यहाँ से यात्रा होती है शिव जी की, मतलब कि शिव जी की, मतलब कि आपका पूजा करने की यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। टोटल आपका 43 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। तो अगर कोई इच्छुक हो कि भाई जैसे केदारनाथ अमरनाथ यहाँ जाते हैं, तो वैसे ही मणि महेश जी की भी है यात्रा, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। और अगर इसका डिटेल वगैरह, तो उतना कुछ खास यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, बस खाली ऊंचाई वगैरह लिखी हुई है, कौन सी नदी बह रही है और कितने किलोमीटर की यात्रा है। अगर और कुछ भी जानकारी आप लोगों को चाहिए होगी, तो आप सीधा यहाँ के जो ग्राम पंचायत वाले जो सदस्य होते हैं ना, उनसे बात करके पूरी जानकारी ले सकते हो। तो बस इसका यहीं पे यही चीज़ था। और सामने देखो क्या ही व्यू नज़र आ रहा, मस्त है ना। एक मिनट,
दिखाता हूँ आपको, ये जो अल्टीमेट अल्टीमेट व्यू है भाई वो जो। और ये खड़ा है अपना गब्बर। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तो भाई रात के बज रहे हैं 9 और हमारा डिनर आ चुका है। डिनर दिखाऊं तो आप लोगों का दिमाग फिर जाएगा, इतना खाना दिया है भाई। ये एक होम स्टे है, छोटा सा गांव है, बट इतना खाना। ये रहा चावल, दिखाता हूँ, रुको बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखो ये दिया है चावल, ठीक है, ये है दाल और ये है आलू पत्ते गोभी की सब्जी, आई थिंक सो। और बच गया इसमें आई थिंक रोटी, यस, और वो सलाद, ठीक है। इतना सारा खाना दे दिया भाई, कैसे खाएंगे। और प्लस एज वेल एज जिस रूम में हम लोग स्टे कर रहे हैं ना, इसका प्राइस बहुत कम है भाई, होम स्टे है, बहुत कम है, बहुत अच्छा है भाई। कमरे का आधा कर दो तो इतना बड़ा बाथरूम है कमरे का आधा कर दो तो इतना बड़ा बाथरूम है। और प्राइस है सिर्फ मात्र 1000 रुपए दो लोगों के विद फूड। ट्रिपल नाइन विद फूड सो सकते हैं। शौक हो गया मैं तो, छोड़ो अब जब शौक हो ही गया तो खाते हैं और सोते हैं। आज का व्लॉग अपन इसी खाना ही बहुत बढ़िया बनाया, ये देखो फीडबैक भी मिल गया। तो भाई हम लोग खाना खाते हैं जल्दी जल्दी, अब रहा नहीं जा रहा है। आज के व्लॉग को अपन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल के व्लॉग में। कल कहाँ जाएंगे सुबह बताएंगे आपको, ठीक है, और पहले भी बता चुका हूँ लेकिन फिर भी सुबह बता दूँगा। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, टिल देन राइट सेफ, ध्यान से गाड़ी चलाएं।